बहुत कम समय आप लोगों से लेंगे। जीएस कैसे तैयार किए जाते हैं, जिसे हम लोग जीएस को जीके कहते हैं। क्या कहते हैं? जीके। और जीके का, और जिसे हम लोग बहुत हल्का में लेते हैं कि जीके बहुत आसान है, लेकिन जीके हर एक बड़े बड़े नौकरियों के लिए बहुत कठिन होता है। तो कैसे हम लोग अपने पास स्टोर करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो एक नजर इधर देखिए। हमको बताना है मैं पहली बार किमी लंबी वासुकी का प्रचालन, तो हम यहां भर रहे हैं देश। क्या भरते हैं? देश। तो देश में पहली बार क्या है? पहली बार कितनी बड़ी लंबी गाड़ी चलाई गई, तो बता रहे हैं देश में पहली बार। तो हम लोग किस देश के रहने वाले हैं पहले क्लियर किया जाए। हम लोग भारत के रहने वाले हैं, भारत उत्तर प्रदेश गाजीपुर से हम आए। तो ये बताना है कि देश में पहली बार कितनी लंबी गाड़ी चलाई गई। तो गाड़ी की लंबाई थी 3.5 किमी, यानी देश में पहली बार इससे बड़ी गाड़ी कभी चलाया नहीं गया था, वो पहली बार चलाया गया था। बताना है अब कब चलाया गया था। तो इतनी लंबी गाड़ी चलाई गई थी, तो जब देश में पहली बार गाड़ी चलाई गई थी इतनी लंबी, तो उसका कुछ नाम भी दिया गया था। क्या दिया गया था? सुपर वासुकी। क्या नाम था? सुपर वासुकी नाम दिया गया था इस ट्रेन की, जो भारत की पहली बार गाड़ी इतनी लंबी चलाई गई थी। तो क्या हुआ, देश में पहली बार 3.5 किमी लंबी सुपर वासुकी का प्रचालन किया गया था। वो किस तारीख को किया गया था, इस पे ध्यान दें। तो 15 अगस्त 2022 ये तारीख को देश में पहली बार लंबी गाड़ी चलाई गई थी। उसके बाद अब बताना है ये गाड़ी कितनी लंबी थी। तो हो गया ये सवाल, कितनी इनके वजन थे ये बताने हैं। तो इन पे एक किस काम के लिए गाड़ी चलाई गई थी? ये गाड़ी चलाई गई थी कोयले की वाहन के रूप में चलाई गई थी, यानी कोयले का ढुलाई के लिए चलाई गई थी। किस काम के लिए? कोयले की ढुलाई के लिए ये गाड़ी चलाई गई थी इतनी लंबी। अब इसे में जानना है कितने दूरी तक ये गाड़ी चलाई गई थी। गांव का नाम है ये गाड़ी का, राजनंदा से ये कोरबा तक गाड़ी चलाई गई थी। कहां से? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है राजनंदा गांव से ये कोरबा जगह तक ये गाड़ी चलाई गई थी। अब इस पे क्लियर करना है, देखिए छत्तीसगढ़ में जगह पड़ता है कोरबा, और कोरबा से गाड़ी गई थी राजनंदा के लिए। कहां गई थी? राजनंदा के लिए गाड़ी चलाई गई थी। अब इनमें बताना है कि कितने वजन कोयले की ढुलाई के लिए लेके जाने के लिए गाड़ी तैयार की गई थी। तो 27,000 टन। कितना? 27,000 टन। अब देखिए प्रत्येक को आप अपने पास भी नोट कर सकते हैं तैयार करने के लिए, इसलिए कि ये बारो बार जीके मिलता है नहीं। तो 27,000 टन इन पे वजन लादे गए थे। कितने? 27,000 टन। देश में पहली बार इतना वजन यातायात में इनके किए गए थे। पहली बार इतनी लंबी गाड़ी 3.5 किमी लंबी चलाई गई थी देश में। पहला बार नाम पड़ा था उस गाड़ी का, नाम सुपर वास्की। सवाल नंबर अगला है कि ट्रेन में कितने वैगन लगाए गए थे। वैगन में सब लोग इस पे ध्यान दें, वैगन किसे कहते हैं? जो हम लोग अपने भाषा में कहते हैं कोच कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ट्रेनों के बोगी होती है कोच कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग रेलवे विभाग के जरिए उनका नाम होता है वैगन। तो कितने वैगन लगे थे? इनमें वैगन लगे थे 295। कितने? 295 वैगन यानी बोगी लगे थे ये ट्रेन में। अब इनमें बताना है कि अब कितनी बोगियों में ये 5 मालगाड़ियों से मिलकर इतने वैगन मिले थे, यानी 5 मालगाड़ी
पांच मालगाड़ियों की बोगियों से मिलाकर 295 बोगी जोड़कर ये गाड़ी इतनी लंबी बनाई गई थी। अब अगला नंबर है, इसमें कितने कोच लगे थे, और कितने इसमें लगे थे इंजन लगे थे। तो इंजन ट्रेन चलाने के लिए इसमें इंजनों की संख्या थी छह। कितने? छह इंजन लगे थे। कितने इंजन? छह इंजन इसमें तैनात किए गए थे। अगला नंबर है कि अब इसमें ये सुपर वास्ती ये ट्रेन का नाम पड़ा, और इससे भी कभी काम मिला था कि ये ट्रेन की पहली बार ये नाम दिया गया था। कुछ 295 27,000 टन। कितने अब बताना है, कितने घंटे में ये यात्रा छत्तीसगढ़ से कोरबा से राजनंदगांव के लिए एक पहुंची थी ट्रेन। तो इसमें पहुंचने के लिए समय इनको लगा था, पहुंचने के लिए 2021 को भी ये ट्रेन चलाया गया था, जिनमें ये 2021 को चलाया गया जिनमें बोगियों की संख्या थी, और बोगियों की संख्या इनमें केवल बोगियों की संख्या नहीं था, केवल था पांच मालगाड़ियों को जोड़कर चलाया गया था, जो उसपे माल लदे नहीं थे, कोयले की माल लदे नहीं थी, केवल खाली ट्रेन चलाई गई थी और उनका कोई लंबाई नहीं था। तो उससे 2021 के बाद जब 2022 में ट्रेन चलाई गई थी, तो इसमें वो पूरा ये सब डिटेल इस तरह मिले कि कितनी लंबाई 3.5 किमी, कितने वजन 27,000 टन, कितने उनमे लदे थे सामान 27,000 लदे थे। उसके बाद अगला नंबर था वो ट्रेन की नाम क्या था, सुपर वास्ती। अब आप लोगों को लेके हम अगले सवाल आएंगे, 15 अगस्त जैसे शाम होता है आपको ये सवाल देंगे, इसलिए कि उस दिन भी आप तैयार रहेंगे। ये सवाल हर एक 15 अगस्त स्वतंत्रता की आजादी के अवसर पे ये किए जाते हैं। किस पे? भारत जब स्वतंत्रता के अवसर पे मनाते हैं 15 अगस्त, तो ये रेल विभाग वाले लोग क्या मनाते हैं, अपनी ज्यादा से ज्यादा कोच को जोड़कर और इंजन को अपने देश की पहली बार रिकॉर्ड बनाते हैं।